सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम लोग का अगर मोबाइल के अंदर भाई BGMI खेलते टाइम मोबाइल बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा है, लैग हो रहा है, एंड यार ये जो है ना सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। अगर मोबाइल हीट हो जाए तो भाई पक्का लैग होना भाई बनता है। तो अगर तुम्हारा मोबाइल हीट हो रहा है या लैग हो रहा है तो भाई मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो तुम देख लोगे, अगर उसे अप्लाई करते हो अपने मोबाइल के अंदर तो भाई बहुत ही ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा एंड हीटिंग भी बहुत ही कम हो जाएगी। एंड गाइस अगर हम लोग लैगिंग की बात करें तो भाई लैग भी बहुत ही कम होने लग जाएगा। तो भाई देखो तुम लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर से देखना। एंड यार अगर तुम्हें जो है ना रिडीम कोड चाहिए भाई, फ्री के रिडीम कोड चाहिए, तो तुम लोग टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। नीचे फर्स्ट लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाओ जल्दी जाके टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना एंड तुम लोग जो है ना उन रिडीम कोड से अपने UC बाय कर पाओगे और रॉयल पास बाय कर पाओगे। तो भाई देखो तुम्हें जो है ना फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे तुम लोग टेलीग्राम के अंदर एकदम ज्वाइन वाला बटन क्लिक करना एंड ज्वाइन हो जाओगे। तो यहां से अगर हम लोग बात कर ले भाई लैग की, प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा हो रही है अपने BGMI के अंदर और भाई बहुत ही ज्यादा हैंग वगैरह भी देखने को मिलता है। तो गाइस तुम्हें सिंपल में यहां से अपनी लॉबी के अंदर आना है एंड गाइस यहां पर से लॉबी के अंदर आने के बाद तुम्हें यहां पर सबसे पहले तो अपने BGMI का थोड़ा सा स्टोरेज घटाना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज्यादा मेन है। अगर जो है गेम 7 या 8 या 10 GB का हो जाएगा तो भाई पक्का लैग होगा, हीट तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो भाई सबसे पहले तुम्हें जो है ना यहां से मैप पे क्लिक करना है एंड यहां पर तुम्हें जो है ना वो मैप सिलेक्ट करना है जो तुम खेलते हो। तो गाइस देखो यार ज्यादा मैप रखने से कोई फायदा नहीं है, जितना मैप रखोगे भाई उतना ही लैग होगा। तो देख सकते हो मेरे ऑटोमेटिक भाई इतने सारे मैप डाउनलोड हो चुके हैं एंड तुम्हारे भी ऑटोमेटिक बहुत सारे मैप डाउनलोड हो चुके होंगे, जिससे भाई बहुत ही ज्यादा लैग इंक्रीज होता है। भाई एक बात सोचो, तुम लोग अगर 4 GB का मोबाइल है, 4 GB रैम का मोबाइल है या 6 GB रैम का मोबाइल है, अगर उसके अंदर तुम 10 GB का गेम चला रहे हो, मतलब पूरा स्टोरेज फुल करके, तो भाई देखो बहुत ही गंदा लैग होने वाला है। अगर हम लोग अरेना की बात कर लें तो अरेना के अंदर भी भाई मतलब देख रहे हो, मतलब पूरे के पूरे जो मेरे मैप है ना वो सारे के सारे डाउनलोड हो चुके हैं, वो भी ऑटोमेटिक, मतलब मैं क्लिक भी नहीं करा और देख सकते हो सारे के सारे मैप डाउनलोड हो चुके हैं। अब तुम्हें जो है ना इन सबको डिलीट करना है, जो जो मैप तुम्हें रखना है उन्हें रख लेना। बाकी तुम्हें यहां पर से ऊपर की साइड में रिसोर्सेज मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो जो यहां पर तुम्हें रिसोर्सेज मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें इस पर क्लिक करना है। एंड गाइज यहां पर तुम्हें जो है ना सिंपल में एक डिलीट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट इससे पहले अगर तुम लोग चेक करना चाहो कि तुम्हें कौन कौन से मैप डिलीट करने, तो तुम लोग इस पे अरेना मैप पे या क्लासिक मैप पे क्लिक करके भी यहां से चेक कर सकते हो। देख सकते हो यहां पर सारे के सारे मैप के बारे में ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब कौन कौन सा मैप डाउनलोड है दोबारा, टिक देख सकते हो ना, इसी टिक से पता चल जाएगा कि कौन कौन से मैप डाउनलोड है। और अरेना की भी ऐसी चेक कर लो और बाकी देख सकते हो भाई वीकेंड, मतलब जो जो मैं मैप खेलता ही नहीं हूं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, उन मैप को मैंने भाई डाउनलोड हो रखे हैं वो ऑटोमेटिक। और अरेना की बात कर ले तो अरेना भी बहुत सारे डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहां से तुम्हें जो है ना डिलीट पे क्लिक करना है एंड गाइस डिलीट पे क्लिक करने के बाद तुम्हें फौरन यहां पर कहीं भी टिक मत करना, क्योंकि तुम्हारा ग्राफिक पैक कुछ भी डिलीट हो सकता है। तो सिंपल में तुम्हें क्या करना है, ये जो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है ना इस पे तुम्हें क्लिक करना है। क्लासिक मैप जैसे मुझे डिलीट करना है तो बीच में एक ऑप्शन आ रहा है डॉट सा, तो उस पर क्लिक करोगे तो यहां से सारे के सारे मैप ओपन हो जाएंगे। एंड तुम लोग देख सकते हो यहां पर रॉयल अरेना असॉल्ट इरेंगर वाला, तो भाई देखो ये जो है ना अरेना का है तो मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता हूं वाला। और भाई अगर देखा जाए अल्टीमेट अरेना ये भी नहीं खेलता हूं, अगर हम लोग देखें यहां पर से 8v8 वाला तो भाई ये भी नहीं खेलता हूं मैं, और अरेना हंगर तो भाई देखो खेलता हूं और ये भी नहीं खेलता हूं, ये जो डोमिनेशन टाउन है ये भी नहीं खेलता हूं। तो भाई देखो यहां से तुम्हें वो सिलेक्ट कर लेना एंड देख सकते हो 123 MB का मुझे यहां पर से साइज जो है भाई फ्री हो चुका है। एंड गाइस देखो ये तो भाई 123 MB थी। अब तुम्हें जो है सबसे मेन चीज करनी है, तुम्हें यहां पर से क्लासिक मैप वाला ऑप्शन जो है क्लिक करना है। देख सकते हो कम से कम 10 GB का इसके अंदर जो है मतलब डाउनलोड हो रखा है, तो भाई देख सकते हो बहुत ही ज्यादा होता है। एंड यहां से तुम्हें जो है ना सिंपल में क्या करना है, जो जो तुम्हें जो है मतलब एक तरह से मैप नहीं चाहिए उन्हें टिक करना है एंड डिलीट कर देना है। देख सकते हो 680 MB जो है ना कम से कम भाई मेरी जो है फ्री हो जाएगी। तो भाई सबसे मेन ट्रिक है, जाओ अपने जो है ना BGMI का साइज कम करो एंड इसके बाद तुम लोग देखना कि बहुत ही कम हीट होगा एंड लैग की भी प्रॉब्लम हद से ज्यादा कम हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ से 680 MB मुझे कम से कम मिला एंड भाई यहाँ से रिमूव हो चुके मेरे बेकार से जितने भी ऐप थे, वो मैप थे, वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। एंड गाइस बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा, तुम्हारी लैग की प्रॉब्लम और हीट की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो गाइस तुम्हें वाली वीडियो कैसे लगी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार अभी तक तुम लोगों ने टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जल्दी जाके टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, और यार मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।